जनपद चमोली में मंगलवार को मोहन खाल कानातोली चोपता तुरंगनाथ मोटरमार्ग की मांग को लेकर संपूर्ण क्षेत्रीय जनता द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में सड़क निर्माण के लिए मोहन खाल कानातोली और तुंगनाथ संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसमें सड़क निर्माण के लिए आगे की रणनीति बनाने पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि 80 के दशक में मोहन खाल से कानातोली चोपता तक सड़क का कार्य शुरू हुआ था, जो आज 54 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं बन पाया है और आधा अधूरा ही बना है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सरकार द्वारा इस मोटर मार्ग का संज्ञान नहीं लिया गया तो संपूर्ण जनता एक बड़ा आंदोलन करेगी। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। देखिए, जो आज यहाँ पर मोहन खाल कानातोली चोपता मोटर मार्ग जो समिति यहाँ पे बनी है, संघर्ष समिति, इसके अंतर्गत दो जनपदों का ये पर्यटन क्षेत्र है। इससे दो जनपदों को बेनिफिट मिलने वाला, फायदा मिलने वाला है। एक तो रुद्रप्रयाग जनपद से लगा हुआ क्षेत्र है, दूसरा चमोली जनपद से लगा हुआ क्षेत्र ये मोहन खाल है। यहाँ सामने पे आपको पता है विश्व प्रसिद्ध जो है हमारा कार्तिक स्वामी मंदिर है, और इस मंदिर से जो रास्ता जाता है मोहन खाल से जो है ये मिलेगा हमारा चोपता तुंगनाथ में, जो कि पर्यटक स्थल भी है और धार्मिक स्थल भी है। तो अगर ये कनेक्टिविटी जो है मोहन खाल से चोपता जुड़ती है तो यहाँ पर्यटन भी बढ़ेगा और तीर्थाटन भी बढ़ेगा, क्योंकि जो ये मोहन खाल स्थान है ये बहुत ही खूबसूरत स्थान है, एक हिल एरिया है, पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत डेवलप हो जाएगा। और इधर दूर दराज के क्षेत्र जो इसके नजदीक क्षेत्र हैं, इनको भी जो व्यापार मिलेगा, व्यवसाय मिलेगा। ये आज जो है मोहन खाल चोपता तुंगनाथ मोटर मार्ग का के लिए एक संयुक्त संघर्ष समिति बनी है। इस मांग को लेकर के हम ये चाहते हैं कि एक तीर्थ को दूसरे तीर्थाटन से जोड़ने का एक सफल प्रयास किया जाए। और एक तरफ जहां हमारी सरकारें कहती है कि उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है और तीर्थाटन प्रदेश है, तो बिना हमें एक सड़क को दूसरे तीर्थाटन से जोड़े बिना यहाँ तीर्थाटन और पर्यटन स्थल नहीं बनाया जा सकता है। तो हमारी मुख्य मांग यह है कि तो मोहन खाल चोपता तुंगनाथ मोटर मार्ग का निर्माण अति शीघ्र किया जाए। यहाँ मोहन खाल से कानातोली सोमर बेटा बोलते हैं, वहाँ तक जो है 8-9 किलोमीटर कटा हुआ है, और लगभग वहीं से लगभग वही दूरी चोपता तक है, चोपता तुंगनाथ तक है। तो ये रोड जो है बहुत पहले कट चुकी थी, और हम तो यहाँ पे बचपन से हैं, एक छोटे से व्यापारी के रूप में। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो है आजकल जो बेरोज़गारी हो रही है, बेरोज़गारी की इतनी समस्या बढ़ गई है कि लोग जो हैं घरों में जो हैं बेरोज़गार पड़े हुए हैं बच्चे। तो जो ये रोड की मांग हो रही है आज जो संघर्ष समिति जो मोहन खाल चोपता तुंगनाथ जो संघर्ष समिति बनी है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो आजकल जो बेरोजगारी है, तो इस रोड को खुलने से जो है बच्चों को या अन्य कई गांवों को जो है रोजगार की संभावना हो सकती है। उसके बाद हो सकता है कि जब मांग पूरी नहीं होती तो आमरण अनशन भी करना पड़ सकता है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन और सरकार की होगी। तो इस प्रकार की रणनीति आप लोगों ने बना दी होगी, मुझे विश्वास है। और नेक्स्ट मीटिंग करेंगे सर, आप तो कमेटी बनी है, अभी तो कमेटी बनी, लेकिन कमेटी के बाद जो है आपको सबके लिए पत्र भेजने, बिल्कुल अभी दूसरी बैठक में जी। ये यहाँ पर कई गाँव के लोग आए हैं और ये मांग जैसे बहुत पुरानी है, ये होना बहुत पहले चाहिए था, पर दुर्भाग्य है कि ये अभी तक लटका हुआ मामला। मेरी सरकार से जनप्रतिनिधियों से गुजारिश रहेगी कि इस मांग को जल्दी जल्दी पूर्ण करें और इसे कमजोर कड़ी में मत लें, क्योंकि अगर उग्र आंदोलन होगा इसके जवाबदार शासन प्रशासन और सरकार है।